तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। फाइनली गाइस, आज अपनी वीडियो रहने वाली है जो स्प्लेंडर के माइलेज टेस्ट के ऊपर रहने वाली है। जो मेरी बाइक है उसका मैंने 3 बार अलग अलग कंडीशन में माइलेज टेस्ट किया है गाइस। हालांकि मैंने उसकी वीडियो कंटिन्यू नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा। जो मुझे माइलेज इसकी मिली है वही आपको बताऊंगा मैं। सो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट की थी, सो उसको लेकर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कहां कहां इसने कितने कितने की माइलेज दी, राइडर, पिलियन राइडर या ट्रैफिक, हाईवे, कहां कहां मैंने किस किस तरह इसको यूज किया। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने पहली बार इसमें तेल डलवाया था तो उसकी रीडिंग थी 20,086, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसमें जो उसको मेन लगा दिया था, 100 रुपीज़ का तेल डलवा दिया था, यानी कि 98.89 लीटर पेट्रोल है। सो 100 रुपीज़ का मैंने तेल डलवा दिया है बाइक में। सो यहाँ 20,086 से मैंने जब इस बाइक की जो डेली यूज मैं यूज करता हूँ बाइक का, वो मैं आपको बता देता हूँ। 50 मतलब मैंने इसको 2 डे यूज़ किया है, यानी कि मैंने इसको 56 के आसपास मैंने इसको हाईवे पे यूज किया है। 60 की स्पीड को मेंटेन करके मोस्टली मैं 60 के आसपास ही बाइक चलाता हूँ गाइस। और जो 20 किलोमीटर हैं वो मैंने इसके जो ट्रैफिक और मतलब यानी कि मार्केट में, ट्रैफिक में, यानी कि सिटी में यूज किए हैं गाइस, आप मान सकते हैं। यानी कि इसकी जो माइलेज थी गाइस, जो भी ये रिजर्व लगी, आप देख सकते हैं 20,162 किलोमीटर यहाँ पर बाइक चल चुकी है। और मुझे जो माइलेज मिली है 76 की माइलेज मिली है। तो 100 रुपीज़ के तेल में आप मान सकते हो 76 की माइलेज जो मिली है, यानी कि 1 लीटर में आप 70+72 कुछ मान सकते हैं गाइस। सो इतनी अच्छी माइलेज जो सिटी और हाईवे ट्राफिक हर जगह मुझे जो मिली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने नेक्स्ट टाइम इस बाइक को जब यूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं मैं इसमें तेल डलवा रहा हूँ फिर से 100 रुपीज़ का, और यहाँ बाइक की जो रीडिंग है वो थी 20,225, यानी कि यहाँ से 3 किलोमीटर पहले, यानी कि 20,200 बाइक पर रिजर्व लगी थी। तो 20,225 की मैंने जब इसमें 100 रुपीज़ का दोबारा से तेल डलवाया, तो मैं आप देख सकते हैं मैं इसको दोबारा से मेन लगा रहा हूँ। और यहाँ से लेकर घर तक मेरा जो डिफरेंस है घर तक जाने का, वो 13 से 14 किलोमीटर मैं बाइक चलाऊंगा, तो वो 60 के आसपास मैंने बाइक को मेंटेन करके चलाया गाइस। तो यहाँ से लेकर घर तक ये बाइक चली है जो 13 से 14 किलोमीटर मैंने इसको 60 के आसपास चलाया। तो आप देख सकते हैं जब मैं घर आया, इसकी बाइक की रेटिंग थी 20,238 किलोमीटर थी। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे चलाया गाइस, 40 से 45, यानी कि 45 आप मान सकते हो मेंटेन करके 57 किलोमीटर बाइक को चलाया। सो मैं आपको रीडिंग दिखा सकता देता हूँ, यानी कि 20,238 से 20,295 तक 57 किलोमीटर मैं जब गया, 40-45 के बीच गया। और साथ में इसमें मैं राइडर के साथ पिलियन भी बैठा था, यानी कि टोटल आप बाइक के ऊपर 120 kg का लोड मान सकते हो। 40-45 मैंने बाइक चलाई है 57 किलोमीटर, लेकिन जब उसके बाद मैं अकेला आया 57 किलोमीटर, सो मैंने जब बाइक चलाई है वो 70-80-90, यानी कि मोस्टली मेरी स्पीड 70 मेंटेन थी, लेकिन 80 भी चलाई, 90 भी चलाई, बीच में 60 भी चलाई। सो जब बाइक दोबारा से रिजर्व लगी, तो बाइक की रीडिंग थी 20,306 किलोमीटर बाइक चल चुकी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए, मैंने जब फ्यूल डलवाया था 20,225 से, जब रिजर्व लगी 20,306 किलोमीटर, यानी कि 81 किलोमीटर चल चुकी थी, और 3 किलोमीटर पहले से ही रिजर्व में थी। तो 84 किलोमीटर बाइक ने मुझे माइलेज दी, जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक वाला लगा गाइस, क्योंकि इतनी ज़्यादा माइलेज। और हाँ गाइस, अगर ये मैंने 12 से 13 किलोमीटर का पैचअप अगर 70-80-90 पे ना चला के 40-45 पे चला होता, तो 90-95 ये बाइक मुझे आराम से माइलेज दे देती। सो उसके बाद मैंने 20,306 के बाद ये 20,315 पर जब मैं पेट्रोल पंप पे था, तब मैंने फिर से 100 रुपीज़ का तेल डलवाया। तो यहाँ पर बाइक की जो रीडिंग थी मैं आपको दिखा देता हूँ, 20,315 ये बाइक है। और यहाँ से मतलब जो 57 किलोमीटर जब मैं गया था, और वही 57 किलोमीटर में जब आया हूँ, मतलब आते वक्त मेरी स्पीड 70 मेंटेन थी, लेकिन मैंने 80-90 पे भी चलाई है बाइक, लेकिन 70 मैंने मेंटेन रखी इस 57 किलोमीटर में। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से मैंने तेल डलवा लिया, यानी कि ये आप 4 और 5, 9, 9-10 किलोमीटर ये बाइक पहले से चल चुकी है जब मैंने इसमें दोबारा से 100 रुपीज़ का तेल डलवाया। और यहाँ पर जो तेल की कीमत थी वो 99.89 लीटर थी, यानी कि 100 रुपीज़ से 1 रुपये कम। और यहाँ से लेकर घर तक जो स्पीड थी, मैंने आपको जैसे बताया अकेला था मैं, तो 70 पर मैंने मेंटेन रखी, बीच में 80 भी चलाई और 90 और 60 पर भी चलाई। सो नेक्स्ट टाइम आपको बता देता हूँ, जब ये रिजर्व लगी थी तो इसकी रीडिंग ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको जब नेक्स्ट
डे यूज़ किया था, इसकी जो जब ये रिजर्व लगी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो बाइक की रीडिंग है वो 20,362 किलोमीटर है, यानी कि ये 56 किलोमीटर बैठती हैं उस हिसाब से 362। सो यहाँ पर मैं जो माइलेज बिल्कुल नहीं मिली, 56 की माइलेज आप बोल सकते हैं, 70 की स्पीड मेंटेन करके बीच में 80-90। सो मैं आपको बता देता हूँ जब मैंने तीनों कंडीशन में इस बाइक को यूज किया है, सबसे ज़्यादा मुझे मतलब सिटी ट्रैफिक हाईवे पर इसके जो डेली यूज में मैंने इसको यूज किया तो 76 की माइलेज मिली, जो अच्छी माइलेज थी। लेकिन अगर आप इसका हाईवे पे 40-45-50 के बीच में इस बाइक को चलाते हो तो आपको डेफिनेटली 90 की माइलेज आराम से बाइक दे देगी। मेरी बाइक ने इतने की माइलेज दिया तो मैं आपको रियल में दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर से पेट्रोल डलवा लिया था इसमें। सो टॉप स्पीड में अगर बात करें, आप 70 पे बाइक चलाओगे 80 पे चलाओगे तो आपको बिल्कुल 55 के आसपास आपको माइलेज देखने को मिलेगी गाइस। सो गाइस ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन होनेस्ट रिव्यू मैंने आपको माइलेज टेस्ट का दिया है, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है ये। और मैंने आपको बिल्कुल बेस्ट वे में अपना जो बेस्ट है पेट्रोल जो माइलेज दिया है स्प्लेंडर में वो आपको वीडियो में बताया है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।